चलो देखते हैं, एक आज और सवाल करते हैं और आज का सवाल बहुत ही बेहतरीन होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो प्रोपोगेशन का पार्ट 4। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू आप? रेशियो प्रोपोगेशन का पार्ट 4, ठीक है ना? कोई दिक्कत है तो बोलेगा, बस जस्ट 1 मिनट। रेशियो प्रोपोगेशन का क्या पढ़ने वाले हम लोग? पार्ट 4 पढ़ने वाले, ठीक है? देखो तो हम लोग पढ़ेंगे रेशियो का हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 4। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत ही अच्छा अच्छा सवाल होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज पहला सवाल ये है कि बोला है कि यदि दो वस्तु मतलब यदि दो व्यक्तियों का यदि दो व्यक्तियों का है ना यदि दो व्यक्तियों का ठीक है यदि दो व्यक्तियों का मंथली इनकम यदि दो व्यक्तियों का मंथली इनकम मंथली मतलब मासिक आय जिसको बोलते हैं, मंथली इनकम, यदि दो व्यक्तियों का मंथली इनकम का अनुपात अनुपात दो अनुपात तीन है। क्या बोले? यदि दो व्यक्तियों का मंथली इनकम का अनुपात 2:3 है तथा उनके मासिक खर्च तथा उनके मासिक खर्च का अनुपात मासिक खर्च का अनुपात मासिक खर्च का अनुपात 5:9 है। मासिक खर्च का अनुपात कितना है? 5:9 है ना? मासिक खर्च का अनुपात कितना है? 5:9 है। और यदि प्रत्येक महीने वो दोनों यदि प्रत्येक महीने दोनों यदि प्रत्येक महीने यदि प्रत्येक महीने दोनों यदि प्रत्येक महीने दोनों 600 रुपये की बचत कर लेता है, 600 रुपये की बचत करता है, 600 रुपये की बचत करती है करता है तो उनका मासिक आय क्या है? तो उनका उनका मासिक आय तो उनका मासिक आय है ना तो उनका मासिक आय क्या है? तो उनका मासिक आय क्या है? बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है? क्या बोला? क्वेश्चन समझ में आ गया? यदि दो व्यक्तियों का मंथली इनकम का अनुपात 2:3 तथा उनके मासिक खर्च 5:9 है, यदि प्रत्येक महीने दोनों को 600 रुपये की बचत करता है तो उनका मासिक आय क्या होगा, है ना? मासिक आय पूछा। देखो जब भी इस तरह का सवाल रहेगा क्या करना, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले एक तरफ है, दो व्यक्ति है, मान लो एक व्यक्ति ए है दूसरा व्यक्ति बी है। इसका इनकम एक तरफ लिख लेना, इनकम एक तरफ लेना, एक्सपेंडिचर और एक तरफ ले लेना सेविंग। क्या लेना बोलो? सेविंग। इस तरह ले लेना, ठीक है? ऐसे लेने के बाद क्या करना? देखो सबसे पहले बात ए का और बी का, तो ए का जो खर्च दिया वो कितना दिया है? 2:1, मतलब उसका जो इनकम है इनकम दिया है 2:3, तो 2:3 लिख दिया। फिर जो है एक्सपेंडिचर है वो 5:9 है। सेविंग दोनों ही 600 रुपया का सेविंग कर रहा है। अब क्या करना? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा था, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 5 × 3 = 15। इसको यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 = 18, है ना? इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ आएगा 9×6 = 54, लक्षक क्या आएगा? 5400। इसको यहां से गुना करेगा तो आएगा 6×5 = 30, मतलब 3000। कितना आएगा बोलो? 3000। अब क्या करना है? इन दोनों को माइनस करना है, इसको यहां से माइनस करना है और इसको यहां से माइनस करना है। तो करना 18 - 15 = कितना हो जाएगा बाबू? 5400 और -3000। अगर गौर से देखो 5400 माइनस क्या होगा बोलो? 3000। 5400 माइनस क्या होगा? 3000। यहां से करेंगे तो आएगा 3, 3 का तो यहां से आएगा कितना आएगा बोलो? यहाँ से आएगा 30 × 2 = 50 = 24 आएगा। कितना आएगा बोलो? 24, मतलब आएगा 2400। तो एक के लिए बात करेंगे तो 800, एक के लिए कितना आएगा? 800।
है ना, एक के लिए आएगा 800, तो बोला इसका मासिक इनकम, मतलब एक का मासिक इनकम क्या होगा, तो एक के लिए देखो एक या दो है तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो से मल्टीप्लाई दो और इंटू 800 तो हो जाएगा 1600, है ना। तो इसका मासिक इनकम कितना है बोलो, 1600। और अगर बी के लिए इनकम पूछे तो इनकम पूछे तो यहाँ करना, इनकम हो जाएगा कितना, 3 और इंटू 800 यानी कि 2400, 2400। तो इसका मासिक इनकम कितना है, ए का मासिक इनकम है, ए का मासिक इनकम है, ए का मासिक इनकम है 1600 और बी का मासिक इनकम है 2400, है ना। 1600 और क्या है बोलो, 24। अगर इसका खर्च पूछता तो होगा, इसका खर्च हर महीने ये खर्च कितना करता है, तो 8 बचे 40 यानी कि 4000 रुपया खर्च करता है। ये कितना खर्च करता है भाई, ये कितना खर्च करता है, ये खर्च करता है तुम्हारा 8 8 9 72, 8 9 72 यानी कि 7200 रुपया खर्च करता है। अगर खर्च पूछता तो यहाँ से खर्च निकाल देते हैं, है ना, क्या निकाल लेते बोलो, खर्च, बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है, ठीक, समझ में आ गया होगा, चलो क्लियर है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल, इसी तरह एक सवाल और देते हैं। मान लो कि किसी दो व्यक्ति, एकदम सेम सवाल देते हैं, देखो, यदि दो व्यक्तियों का, यदि किसी दो, यदि किसी दो व्यक्तियों के मासिक आय का अनुपात, यदि किसी दो व्यक्तियों के मासिक आय का अनुपात 5:3 है, तथा 5:3 है, खर्च अनुपात कितना है, 9:5 है, वही वाला सवाल है क्या, चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। मान लो खर्च का अनुपात, यहाँ खर्च का अनुपात मान लो 3:2 है, 3:2 है ना, और हर महीने, और ये प्रत्येक महीने, और ये दोनों प्रत्येक महीने, और ये दोनों प्रत्येक महीने, एकदम यही सवाल दे रहे, प्रत्येक महीने 1000 की बचत, 1000 की बचत करते हैं, तो ए की आय क्या होगी, तो ए की मासिक आय क्या होगी, मासिक आय क्या होगी, तो ए की मासिक आय क्या होगी, बहुत सिंपल है, ए की मासिक आय क्या होगी, बहुत सिंपल है। तो बोला है ए और बी है, एक्सपेंडिचर बात करें तो सबसे पहले इनकम बात करें, इनकम 5:3 है, और खर्च बोले तो 3:2 है, और जो सेविंग करता है वो 1000 सेविंग कर लेता है, ये भी समझाएं। तो इसको यहाँ से गुना करेंगे तो 5 2 10, और यहाँ करेंगे तो 3 3 9, 1 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ जाएगा बोलो, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 2000, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000, 3000 आएगा, यानी 3000 2000 1, मतलब एक का आ रहा है 1000, एक का क्या आ रहा है बोलो, 1000, तो 5 का होगा 5000, तो इसका मन की ए का जो इनकम होगा वो होगा 5000, ए का इनकम होगा 5000, और बी का जो इनकम होगा वो होगा 3000, बी का इनकम क्या होगा बोलो, 3000, बोलो कोई दिक्कत है, बी का इनकम क्या होगा, 3000, समझ में आ गया, ठीक है, बी का इनकम क्या होगा, 3000, समझ में आ गया, इस तरह सवाल करना है, इस तरह क्या करना है, वो सवाल करना है। अब एक सवाल दे, एक और बोलो तो दे दे, एक सवाल और दे, बहुत सिंपल सवाल था, एक सवाल और दे देते हैं, देखो तो बढ़िया वाला है ना, फिर हम कॉइन्स वाला भी कराएंगे, कॉइन्स वाला भी एग्जाम में पूछता है। देखो, बोला है कि यदि किसी दो व्यक्ति ए एवं बी, यदि किसी दो व्यक्ति, यदि दो व्यक्ति, दो व्यक्ति ए और बी, ए और बी, यदि दो व्यक्ति ए और बी का अनुपात, या फिर डी बी का आय का अनुपात, ए और बी के आय का अनुपात 2:3 है, 2:3 क्या है, 3 है, तथा उसके खन का, तथा उनके उनके खर्च का अनुपात, तथा उनके खर्च का अनुपात 1:2 है, 1:2 है, खर्च का अनुपात क्या है, 1:2 है, और प्रत्येक की बचत, वैसे सवाल है, प्रत्येक की बता मान लो 24000 है, तो ए की आय क्या होगी, ए की आय
क्या होगी, ए की आय क्या होगी और बी का खर्च क्या होगा, बी की खर्च क्या होगी, बी की खर्च क्या होगी। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, एकदम लॉलीपॉप सवाल है। ए और बी करेंगे, आय का अनुपात 2:3, खर्च का अनुपात 1:2 और बचत 24,000। बाप रे बाप, बचत कितना देख रहा है, 24,000। वाह, तो इससे ऐसे मल्टीप्लाई 4, इससे ऐसे मल्टीप्लाई 3, तो ये आएगा 1 बचेगा। यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई 24 × 48, 24 × 48,000 उधर से करेंगे तो बचे 24,000, यहाँ से भी बचेगा तो 24,000 बचेगा, मतलब 1 का 24,000, 1 का 24, क्या समझ में आया। यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 24,000, तो 1 का 24,000, 1 का 24,000, तो ए की जो आय होगी, ए की आय क्या होगा, 2 × ए की आय क्या होगा, 2 × 24, 2400, 24,000 यानी कि हो जाएगा 48, यानी कि 48,000। तो ए की आय क्या होगा, 48,000, और बोला बी का खर्च, तो बी का खर्च कितना हो रहा है, 2, बी का खर्च क्या हो रहा है, 2, यानी कि फिर वही खेल खत्म, यानी कि बी जो खर्च कर रहा है, बी खर्च कर रहा है, तो 1 का 24,000, तो 2 के लिए होगा 2 × 24,000 यानी कि 48,000, दोनों का आंसर क्या होगा, 48,000। ठीक, दोनों ही का क्या होगा, 48,000 होगा, दोनों ही का क्या होगा भाई, 48,000। समझ में आ गया। अब हम लोग पॉइंट सोल्व करें, बोलो कोई दिक्कत हो तो पॉइंट सोल्व करें, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आई विल गिव यू द नेक्स्ट सवाल, आई विल गिव यू द नेक्स्ट सवाल, ठीक है ना। देखो बोला है, देखो कि एक बैग में है ना, एक बैग में एक बैग में बहुत सिंपल दिया है, बोला है कि एक बैग में, सवाल है एक बैग में कि एक एक बैग में 640 रुपये हैं, 640 रुपये हैं, 640 रुपये हैं, जो 1 रुपया का, 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के नोट है। 1 रुपया, जो 1 रुपया, 1 रुपया है ना, 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के नोट है, 10 रुपया के नोट है, 10 रुपया के क्या है, 10 रुपया के नोट है, क्या बोले फिर से देखो। एक बैग में 640 रुपया है, जो 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के नोट है, 10 रुपया के क्या है, नोट है, और यदि बोला है यदि सभी नोटों की संख्या बराबर है, यदि सभी, यदि प्रत्येक, यदि यही लिख देते हैं, यदि प्रत्येक प्रत्येक नोटों की संख्या, यदि प्रत्येक नोटों की संख्या बराबर है, यदि प्रत्येक नोटों की संख्या, यदि प्रत्येक नोटों की संख्या, यदि प्रत्येक नोटों की संख्या बराबर है, यदि प्रत्येक नोटों की संख्या क्या है बोलो, बराबर है, यदि प्रत्येक नोटों की संख्या बराबर है, तो कितने नोट्स होंगे, नोटों की संख्या क्या होगी, तब नोटों की संख्या क्या होगी, तब नोटों की संख्या क्या होगी, तो नोटों की कुल संख्या क्या हो, तो नोटों की कुल संख्या है ना, नोटों की कुल संख्या, नोटों की कुल संख्या क्या होगी, क्या होगी। देखो थोड़ा टाइम लगेगा बट मजा भी आएगा है ना, अकबक्का के पढ़ने से सीसेट क्लियर नहीं होता है। देखो बोले एक बैग में 640 रुपये हैं, जो कि 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया के नोट है, यदि प्रत्येक नोटों की संख्या बराबर है, यदि 1 रुपया के नोट जितने होंगे उतने ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होगा, मतलब 1 रुपया का नोट जितना है उतना 5 रुपया का नोट होगा और उतना ही 10 रुपया का नोट होगा, तो नोटों की संख्या क्या होगी। बहुत सिंपल है, तो बहुत सिंपल है, तो बोला एक बैग में जो है, एक बैग में टोटल पैसा कितना है, 640 रुपया है, उसमें बोला है एक, 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया, आंसर बना रहे हैं ना, है ना, 1 रुपया, 5 रुपया और 10, मतलब कहने का मतलब है कि अगर इसको ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन से ही इसको करने से बेटर रहेगा। तो जैसे है 150 दिया हुआ है, कुल नोटों की संख्या 150 है, 120 है और 120 है और कितना बोला,
सी नंबर बोला है 100 बोला है और डी नंबर बोला है 90। डी नंबर क्या बोला है बोलो, 90। अच्छा अगर मान लो हम एग्जांपल के लिए बोले, अगर मान लो 150, अगर मान लो 150 लेते हैं, तो 150 लेंगे तो ये 50 आना चाहिए, ये 50 आना चाहिए और ये भी 50 होना, क्योंकि नोटों की संख्या तो बराबर है। अगर 150 लेंगे तो ये 50 50 50 होना चाहिए। अगर मान लो हम, अच्छा 100 तो 3 भाग में बांटेंगे तो ये तो अपने 33 33 आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये वाला पॉसिबल हो सकता है 30 30 वाला, तो सी वाला तो पहले से ही खत्म हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ देख लो, तो अगर टोटल बचा कितना है मेरे पास, 640 है, मतलब ये सब को जोड़ने पर 640 आना चाहिए। तो 1 रुपया का 50, 50 रुपया हो गया, 5 रुपया का 50, तो 5 रुपया 5 5 25, 250 हो जाएगा, और 10 रुपया का 50 मतलब 500 हो जाएगा, तो 500 × 2 = 700, तो 640 रुपया तो है ही है, तो 700 आ जा रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता है, ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन क्या हो गया बोलो खत्म, ये वाला ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, 150 तो नहीं हो सकता। ये वाला चेक कर देखते हैं, 90 वाला, तो 90 वाला अगर होगा तो 30 30 लेना पड़ेगा, 30 30 30, तो 1 रुपया का 30 तो 30 रुपया, और 5 रुपया का 30 तो 150 रुपया, 30 × 50 150, और ये तो आएगा 300, 300 और 1 400, 430 या 640 है, ये तो गलत हो गया, 30 भी नहीं होगा पॉसिबल। तो इसका आंसर, अब टेंशन नहीं, मेरे पास जब 4 ऑप्शन है तो मेरे पास 3 गलती हो गया, तो इसका मतलब आंसर तो 120 ही होना चाहिए, मतलब 40 40 होगा, ये 40 होगा, ये 40 होगा और ये 40 होगा, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे तो 40 रुपया, यहाँ बात करेंगे तो कितना होगा, 5 रुपया करके 40, तो 5 चौका 20 मतलब 200 रुपया, और प्लस ये होगा बोलो 400 रुपया, आ गया कि नहीं आ गया, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ने के बाद मेरे पास बैग में कितना था, 640 रुपया, जो कि 640 रुपया हारा, तो यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। यही हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा, इसमें सोचने वाली क्या बात है, समझ में आ गया कि नहीं। चलो फिर से देते हैं सवाल, देखो फिर से देते हैं, मान लो कि माना कि एक बैग में, सवाल सवाल है ना, माना कि एक बैग में, ठीक है देखो, माना कि एक बैग में, फिर से देते हैं इसी तरह सवाल, मजा आया। मान लो यहां देते हैं कि माना कि एक बैग में, क्वेश्चन है माना कि एक बैग में, माना कि एक बैग में 225 रुपया है, 225 रुपया है, जो 50 पैसे 25 पैसे है ना, जो है ना, माना कि एक बैग में 225 रुपया है, जो 1 रुपया है ना, 1 रुपया 50 पैसे है ना, 50 पैसे 50 पैसे और 25 पैसे, और 25 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे क्या है बोलो, सिक्के हैं, बात समझ में आया क्या बोले, बोला माना कि एक बैग में 225 रुपया है, जो 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के क्या है बोलो, सिक्के हैं, जिनका अनुपात है ना, जिनका अनुपात, जिनका अनुपात या फिर जिसका अनुपात, जिसका अनुपात कहाँ गया यार, जिसका अनुपात, हाँ जिसका अनुपात, जिसका अनुपात कितना दिया है, 8:5:5:3 है, जिसका अनुपात कितना दिया, 8:5:5:3 है, तो बोला बोला 1 रुपये के सिक्के के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपया के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपया के कितने सिक्के होंगे, कितने सिक्के होंगे, 1 रुपया के कितने सिक्के होंगे, है ना, 1 रुपया के कितने सिक्के होंगे, बहुत सिंपल सवाल था, देखो आंसर सॉल्व करें, देखो बाबू बहुत इजी है। बोला है कि मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास सबसे पहले अनुपात दिया है 5:5, सॉरी 8:5:5:3 दिया है, और मेरे पास जो टोटल पैसा है वो दिया है 225 रुपया, इससे ज्यादा तो है नहीं मेरे पास, 225 रुपया दिया है। अच्छा इसमें बात ये भी है, इसमें बात ये भी है कि बोला है 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो देखते हैं, तो 1 रुपया का सिक्के है मेरे पास, उसके बाद किसका सिक्का है वो, 1 रुपया का सिक्के हैं, उसके बाद मेरे 25 पैसे के सिक्के हैं, उसके सॉरी 50 50 पैसे, पहले 50 50 50, तो यहाँ 50 पैसे के सिक्के हैं और फिर 25 पैसे के सिक्के हैं, समझ में आ गया, देखो गौर से सुनना, बहुत सिंपल है, अगर 1 रुपया का 8 सिक्का होगा तो मेरे पास 8 रुपया होगा, बोलो हाँ ये ना, 1 रुपया का अगर मेरे पास 8 सिक्का, तो टोटल पैसा कितना होगा, 8 रुपया होगा, प्लस
अगर मेरे पास 50 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो 2.5 यानी कि 2.5 रुपया होगा मेरे पास। बोलो हाँ या ना। 2.5 रुपया मतलब 2 रुपया 50 पैसे होंगे। बोलो बहुत अच्छा सर, 2 रुपया 50 पैसा होंगे, बहुत अच्छा, 2 रुपया 50 पैसे, ठीक। अगर मेरे पास 25 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो मेरे पास कितना होगा बोलो तो, 75 पैसे होंगे, मतलब 0.75 रुपया होगा। बोलो ये तो 2.5 रुपया हो गया, ये कितना रुपया हो गया बोलो, 2.5 रुपया, और ये कितना हो, 0.75 रुपया। अगर इसको सबको जोड़े तो 8 2 10, 10 10 10 10 कितना हो गया बोले, सबको जोड़ो, 8 रुपया जोड़ो तो भाई, 8 रुपया प्लस 2 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया 50 पैसा प्लस 0.75, 0.75, ये सबको अगर जोड़ेंगे तो आया 11.25 रुपया। कितना आया भाई, 11.25 रुपया, 11.25 रुपया। अगर 11.25 रुपया जो है 225 के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा बोलो, एक किसके बराबर होगा, तो 225 बटा 11.25, मतलब इसको इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 20। कितना है बोलो, 20, तो 1 का 20 रुपया, 1 का 20 रुपया, तो 1 रुपये कितने सिक्के हैं, 8, तो 8 सिक्के का कितना हो जाएगा बोलो, 160 रुपया, मतलब 160 सिक्के होंगे। सिक्का पूछा ये तो सिक्कों की संख्या दिया है ना, 160 सिक्के होंगे, 160 सिक्के, समझ में आ गया। अगर रुपया पूछता तो रुपया यहाँ से मल्टीप्लाई करते, 20 × 1 20 रुपया है मेरे पास, 1 रुपया कितने, 20 20 रुपया। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, मजा आया यार, ठीक है ना, ठीक है ठीक है। एक और सवाल दे दे, मजा आ जाएगा। एक सवाल और दे दे, क्या आपने समझा इस बात को, बोलो एक और सवाल दें, समझ में आया, देख लो देख लो देख लो इसको, देख लो देख लो, 1 रुपया कितने सिक्के, 1 रुपया के इतना, अगर पूछता 50 पैसा कितना सिक्का, तो यहाँ 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से कितना, तो 20 और इंटू 5 मतलब 100 सिक्के होंगे 50 पैसे के, और ये वाला करेंगे तो वो हुआ, ये होगा 60, 20 और इंटू 3 यानी कि 60 सिक्के, कितना सिक्के बोलो, 60 सिक्के। बोलो कोई आप में हैरानी है, कुछ भी दिक्कत, अटैक वगैरह कुछ भी, चलो एक सवाल और देते, एक और इसी तरह सेम टू सेम सवाल देंगे, मजेदार सवाल है आपके जीवन में। देखो बोला है कि एक बैग में, एक बैग में 120 रुपया है, एक बैग में कितना है, 120 रुपया है, एक बैग में कितना है, 120 रुपया है, जो 1 रुपया, वही सवाल है जो उसी तरह है ताकि प्रैक्टिस हो जाए, 1 रुपया 50 पैसे, 50 पैसे और 10 पैसे के हैं, 10 पैसे के हैं जिनका अनुपात पैसे के हैं, जिनका के हैं जिनका अनुपात, अनुपात जिनका अनुपात 2:3:5, जिनका अनुपात 2:3:5 है, तो बोला 50 पैसे कितने सिक्के, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, ठीक है ना, बहुत सिंपल सवाल है, देखो तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, है ना। तो क्या बोला है भाई, मैटर तो यही है कि मेरे पास सिक्का क्या क्या है, तो बोले सर 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और 10 पैसा का सिक्का है, और कितना है, 10 पैसा का सिक्का, जिनका अनुपात 2:3:5 दिया है, और टोटल जो पैसा दिया है कितना दिया है भाई, टोटल पैसा दिया है 120 रुपया। अगर पैसा के फॉर्म में निकाले तो क्या होगा, 1 रुपया का 2 रुपया, तो 2 रुपया हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे 50 पैसा तो 1.5 रुपया हो गया, 1 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, और 10 पैसे पर 50 पैसा हो जाएगा, मतलब ये टोटल 4 रुपया हो जाएगा, कितना रुपया बोलो, 4 रुपया।
कितने जो बोलो 4 रुपया, मतलब 4 रुपया जो है 120 के बराबर है। तो एक एक मतलब चार जो है 4 रुपया 120 के बराबर, तो 1 रुपया कितने बराबर होगा, 1 रुपया बराबर हो जाएगा 30 के बराबर होगा। अब 1 का 30 है तो सिक्का पूछा है भाई, तो सिक्का है 1 का 30 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा। नहीं, 50 पैसा का कितना सिक्का है, तो बोला यहाँ 90 हो जाएगा। टोटल सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, बोलो 90 हो जाएगा। टोटल सिक्कों की संख्या कितना होगा, बोलो 90। अगर ये वाला पूछे 10 पैसा का कितने सिक्के हैं, तो और लॉलीपॉप सवाल बोलो, ये हो जाएगा टोटल कैंसिल। इसको करें तो कितना हो जाएगा, बोलो 30 और 5 यानी कि 30 बचे 150 सिक्के। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह करके सवाल आता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर सवाल, क्या करेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है।